सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं ए मोटी के बारे में। ए मोटी, वो वाला ए मोटी नहीं, आप लोग समझिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम बेसिकली दो लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, क्योंकि इसका जो पासलेट है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ हार्ड है, बहुत 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 सिंपल है, काफ़ी बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्या इसमें। आज इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हार्ड है, बहुत सिंपल है। आज के इस लेक्चर में आपको एकदम सिंपल निकलने वाली है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसलिए इस लेक्चर में हम सिर्फ पासलेट के बारे में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ने वाले हैं। फिर अगले लेक्चर में ये किस प्रकार से वर्क कर रही है, किसी भी मॉलिक्यूल को किस प्रकार एक्सप्लेन कर रही है, किसी भी एटम को किस प्रकार एक्सप्लेन कर रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट इसके पासलेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हैंड डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हैंड डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हम बोलते हैं MOT, याद रखिएगा MOT, ये सब आप लोग कैसे भूलोगे। तो इसको हम बता दें कि इसको किन्होंने खोजा था, एफहुंड और आर्यस मुलिकर। एफहुंड और आर्यस मुलिकर नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, ध्यान से समझिएगा। दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, कौन कौन से? एक थे हमारे एफहुंड एंड और आर्यस मुलिकर, आर्यस मुलिकर। दो वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को खोज के निकाला था, एक तो हमारे एफहुंड थे, दूसरे हमारे आर्यस मुलिकर थे। अब इसके बारे में बताएंगे कि क्यों ये एमओटी क्यों आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यों, ध्यान से सुनिएगा। VBT फेल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच इज पॉसिबल विथ दिस थ्योरी। मतलब आप वहां पर देखे थे VBT बताई क्या थी कि O2 इज डायमैग्नेटिक। आप समझिएगा ध्यान से, हमने जब वहां पर क्लियर बताया था तो VBT क्या कही थी कि VBT लिमिटेशन जाकर देखिए, आई बटन में लिंक मिल रहा है कंप्लीट प्लेलिस्ट का, आप लिमिटेशन जाकर देखिए VBT का। वहां पर साफ साफ लिखा गया है जो VBT थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वो O2 को डायमैग्नेटिक बता रही थी, लेकिन एक्चुअली में वो पैरामैग्नेटिक हो रहा था, जिसको हम इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर पाएंगे। मतलब MOT के द्वारा हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक होता है, और ये प्रूव करके बताई थी कि यस O2 इज पैरामैग्नेटिक, ये प्रूव की थी, और हम भी इसको मानने के लिए तैयार हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में देखा गया O2 इज पैरामैग्नेटिक। VBT क्या कहती थी वो देख लेंगे। VBT के अनुसार क्या होता था, ध्यान से समझिएगा। VBT बोलती है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड हो तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, अगर फील्ड ना हो तो वो हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो O2 क्या था, O2 में फील्ड हुआ करते थे, समझिएगा ध्यान से, ये रहा O2। O2 किसने बताया था कि फील्ड है, ऐसे देखिएगा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरे ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक दूसरे से कोवेलेंट बांड बनाते थे। जब कोवेलेंट बांड बनाए हैं तो इसका भी ऑक्टेक पूरा एंड इसका भी ऑक्टेक पूरा, जब ऑक्टेक पूरा हो जाएगा तो अनपेयर्ड की बात ही नहीं आई, जब ऑक्टेक पूरा हुआ तो अनपेयर्ड की बात नहीं आई, जब अनपेयर्ड की बात नहीं आई तो कैसे ये पैरामैग्नेटिक हो सकता था। अर्थात VBT बताई कि O2 क्या है, डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि ये देखिएगा आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचते थे, ये इससे कोवेलेंट बांड बना लिया, इसका भी ऑक्टेक पूरा, इसका भी ऑक्टेक पूरा। ऑक्टेक पूरा किसका होता है, अक्रिय गैस तत्व का, इनर्ट गैस एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्टेक कंप्लीट होता है, ऑक्टेक इनर्ट गैस का ही कंप्लीट होता है। इसलिए जितने भी एलिमेंट हैं पूरे सारणी में सब के सब किसकी तरह व्यवहार करना चाहते हैं, हमारे इनर्ट गैस की तरह, क्योंकि उसका ऑक्टेक पूरा होता है, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करना चाहता, इसलिए इसका भी ऑक्टेक पूरा है। तो O2 इज डायमैग्नेटिक, इसके अनुसार क्या था, O2 इज डायमैग्नेटिक। बट एक्चुअली हम जानते हैं क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हम देखें या एक्चुअली कहें या एक्सपेरिमेंटली कहें, O2 इज पैरामैग्नेटिक,
पैरामैग्नेटिक, बात समझ में आ रही है, ओ टू इज पैरामैग्नेटिक। तो इस थ्योरी में बताएंगे कि ये थ्योरी आई क्यों, ये थ्योरी एमओटी पहले एग्जिस्ट क्यों की, एमओटी व्हाई एग्जिस्ट एमओटी। तो बताएंगे इसमें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन properly magnetic behavior of molecules, but MOT can be explain them या प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोले। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मॉलिक्यूल की, कुछ कुछ मॉलिक्यूल का तो एग्जैक्ट बता पाई थी, जैसे कुछ अपवाद भी इसमें निकल गए थे, जैसे O2 हो गया, O2 हमारा पैरामैग्नेटिक होता था बट ये बताई थी कि डायमैग्नेटिक होते हैं, तो ये थ्योरी फेल हो गई यहां पर। तो हमें एक नई थ्योरी चाहिए थी जो कि प्रॉपरली मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रूव कर सके, तो हमारी आई एमओटी। हम बताएंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल बट एमओटी कैन बी एक्सप्लेन देम, एमओटी कर सकी थी, इसलिए हमें एमओटी की खोज करनी पड़ी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके पास्टुलेट्स के बारे में। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके पास्टुलेट बताए जाए। चलिए हेड डालेंगे पास्टुलेट, एमओटी के हम पढ़ेंगे पास्टुलेट। पास्टुलेट मतलब एमओटी, तो वैसे बहुत चीजें बताई थी लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या बताई थी उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्टुलेट। अर्थात एमओटी क्या कही थी, सिंपल शब्दों में समझेंगे एमओटी कही क्या थी आखिर। जैसे वीबीटी के पास्टुलेट्स पढ़े, कुछ 6-7 पास्टुलेट्स हुआ करते थे, हमारी ये बीएससी पीआर के 3 पास्टुलेट्स हमने पढ़े, इंपॉर्टेंट 3 ही पास्टुलेट थे। तो हेडिंग डालेंगे इसका पास्टुलेट्स। इसका पास्टुलेट क्या था, फर्स्ट पास्टुलेट क्या बताई थी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पास्टुलेट इसने बताया था कि द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में वो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम्स के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पहले लिख लीजिएगा फिर समझते हैं। फर्स्ट कहा क्या जा रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स are present in molecular orbital as the electron of atoms present in एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि मतलब ये जो थ्योरी थी ये स्पेशली मॉलिक्यूल्स के लिए बनाई गई थी। पहले समझिएगा, ये जो थ्योरी थी वो स्पेशली मॉलिक्यूल्स के बारे में बताई गई थी। हमें एटम्स के बारे में ऑलरेडी पता था, हम अदर अन्य इसके पहले वाली जितनी भी थियरी थी उसके अनुसार हम एटम्स के बारे में प्रॉपरली जान पाए थे, बट मॉलिक्यूल्स के बारे में जैसे हमारे वीबीटी इसमें आई, वो मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना शुरू की तो वो फेल हो गई, मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पाया। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम ज़्यादातर समझेंगे, तो ये जो थियरी थी वो स्पेशली मॉलिक्यूल्स के लिए बनाई गई थी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अभी आप समझ में जाएंगे, मॉलिक्यूल्स होते आखिर क्या है, मतलब दो एटम के इलेक्ट्रॉन मिलके दो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। जैसे कोई एक एटम है, कोई एटम का एक इलेक्ट्रॉन और कोई दूसरा एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन मिल करके एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल में उसमें दो इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं, मतलब एक एटम दूसरा एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जैसे O इज एटम,
दूसरा वो हमारा एटम है, दोनों मिले O2 बनाए, वो हमारा किसका निर्माण किए, मॉलिक्यूल का निर्माण किए। बात समझ में आई? जैसे N हो गया एटम, O हो गया एटम, दोनों मिल गए NO, मॉलिक्यूल का निर्माण किए। तो एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। एटम के बारे में हमें जानकारी थी, मॉलिक्यूल के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। ये VBT MOT समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। MOT कह क्या रही है, पहले समझो कि द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। हम सबको मालूम है, इससे पहले हम सबको पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। आप सभी को मालूम है एटम क्या है। जैसे मान लो O इज ए एटम, O इज ए एटम, ये क्या है, एटम है एक प्रकार का। इसका होता है एटॉमिक नंबर 8, 2.6। O का एक न्यूक्लियस रहा होगा, ये न्यूक्लियस O का, ये इसके आउटर मोस्ट सेल में, सॉरी पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बताया क्या गया, ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज ए कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ऐसा ऑर्बिटल जिसमें मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। बात समझ में आई? मॉलिक्यूल कहीं से अलग से बन के नहीं आया, दो एटम के इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं एंड मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, कहीं अलग से बन के नहीं आया मॉलिक्यूल, कोई ऐसी चीज है, ऐसी नई तकनीक है, नहीं। दो एटम मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे यही O हो गया, एक O मिला, दूसरा O मिलेगा, दोनों O मिल करके दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निर्माण करेंगे, एक तो बॉन्डिंग, दूसरा एंटीबॉन्डिंग। अभी क्लियर हो रहा है आपको, पहले इसको समझो। कहा क्या जा रहा है कि ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन रहे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है, और ऐसा ऑर्बिटल जिसमें मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन रहे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। अर्थात मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं, जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलो, सब लोग एक बार मेरे साथ बोलो कि मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। फिर से मैं आपको गारंटी देता हूं, आज हम आपको रटा के जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं, रट के जाओगे आज। एक घंटे की क्लास अगर देखोगे तो MOT रट लोगे, रट। मॉलिक्यूल्स के, लुक एट इट, आप समझो एक बार, फिर से मेरे साथ बोलो, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ठीक उसी प्रकार रहते हैं जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। याद हुआ, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ठीक उसी प्रकार रहते हैं जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। बस छोटी सी चीज थी, याद हो गया। चलो अब हम थोड़ा आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम आपको जाने दो, डायग्राम अभी जैसे तीसरा चौथा पास सिलेट आएगा ना, उसमें डायग्राम ये बनाया जाएगा, डोंट वरी, जाने दो, उसमें हम और बढ़िया से समझाएंगे वो डायग्राम के अनुसार। वो एक नया पास्टुलेट है तो उससे रिलेटेड है। ये तो समझ में आ गया ना, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ठीक उसी प्रकार रहते हैं जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। बस चलो दूसरा पास्टुलेट क्या कहता है, दूसरा पास्टुलेट लिखेंगे, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज आर प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने इसको पहले बताया था आपको ना कि O और O मिल करके O2 का निर्माण करते, O इज एटम एंड O इज अदर एटम, दोनों एटम को मिलाया जब हमने तो O2 इज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। O और O इसलिए मिले क्योंकि दोनों की एनर्जी सिमिलर थी। अब इसको समझो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा यही कह रहा है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज आर प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझिएगा इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आने वाला है, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। क्लियर कैसे होने वाला है, पहले हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे हम आपको समझा देना ऐसे नहीं मजा आएगा, पहले एग्जांपल्स के तौर पे समझो। जैसे मान लो अगर हम 1s को ऐड कर रहे हैं 1s में, मतलब पहला एटम हम ले रहे हैं, पहला एटम हमारा 1s है, दूसरा एटम हमारा भी 1s है, मतलब दो एटम ले रहे हैं, पहला एटम भी 1s है दूसरा एटम भी 1s है, क्या वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा? जी हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1s की एनर्जी 1s के कंपेरेबल में बराबर सिमेट्री है, इक्वल है, बराबर है उनकी एनर्जी, तो वो कंबाइन हो करके, यही तो बताया जा रहा है ना कि द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज आर प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दो एटम हैं जो कि कंपेरेबल एनर्जीज है, जिनकी एनर्जी बराबर है या कंपेरेबल में लगभग लगभग बराबर है, ऐसा भी नहीं है जरूरी कि 100% ही बराबर हो, लगभग लगभग अगर एनर्जी बराबर है, कुछ कुछ अंतर हुआ फिर भी, समझिएगा कंपेरेबल एनर्जीज, अगर दो एटम हैं जिन दोनों की एनर्जी लगभग लगभग बराबर है, लगभग लगभग बराबर है और सिमेट्री है वो दोनों, तो वो दोनों कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेरेबल एनर्जीज के, बराबर एनर्जीज के मिल करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जिससे 1s 1s मिलेगा तो हमारा बनाएगा क्या, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, आप सभी जानते हो एस पी डी एफ, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, 1s और 1s की एनर्जी सिमिलर थी, सिमेट्री थे दोनों, तो दोनों ने कंबाइन होकर के किसका निर्माण किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण किया कि नहीं किया। अगर यहीं पर हम चाहें, जैसे एग्जांपल फर्स्ट लिए थे, अगर हम यहीं पर चाहें कि 1s कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहीं पर दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 2s ले रहे, क्या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में अंतर होता है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में अंतर होता है। अब दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग समझाऊंगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहां तो एक बता देने से आपको 1s, फिर सोचोगे 2s या 2p में किसकी ज्यादा है, 2p या फिर 3p में किसकी ज्यादा है, ऐसे सोचने लगोगे आप। इससे अच्छा ये है कि आपको वहां पर स्पेशली अलग से मैं क्लियर समझा दूं ना, आज के ही लेक्चर में बताऊंगा, डोंट वरी, आज के लेक्चर में क्लियर होने वाला है। पहले इतना समझो, पहले इतना समझो, आगे चल के बताएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम, डोंट वरी, लेकिन पहले इतना समझो, पूरा डायग्राम बनाए 1s 2s 2p 3p 3d, मतलब सब आपको समझ में आ जाएगा उसमें। यहां पर तो 3p ही तक बात की गई है, आगे तक नहीं बात की गई, 3p इज मैक्सिमम इधर मोटी के लिए, तो आपको वहां तक समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि 1s 1s मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन 1s और 2s मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार हम बता सकते हैं। अतः इससे हमारा प्रूव होता है कि अगर किसी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो वो दोनों कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, बात सही है। अगर हम इसी प्रकार पी वाला ले लें, एग्जांपल नंबर सी, जैसे हम ले लें पी वाला, ये मान लो कोई पी है, ये पी एक्स है, मान लो पी एक्स, पी में तीन प्रकार के होते हैं ना,
पी ऑर्बिटल में तीन सब ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी में पांच होते हैं, डी में पांच होते हैं, सबको पता है। चलो पी एक्स और पी एक्स मिल रहा है, ये देखो पी एक्स पी एक्स, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, तो दोनों कंबाइन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पी एक्स पी एक्स की एनर्जी बराबर है, जबकि पी एक्स पी वाई की एनर्जी बराबर नहीं है, पी वाई पी जेड की एनर्जी बराबर नहीं है, पी जेड पी एक्स की एनर्जी बराबर नहीं है। अर्थात अगर पी जेड मिलेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, पी वाई मिलेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, पी जेड मिलेगा फिर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, लेकिन पी एक्स पी वाई मिलेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है। इधर देखो पी एक्स पी एस की एनर्जी बराबर है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे कि नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर हम यहां पर मान लो ये पी एक्स माने और ये मान लो पी वाई हो गया, ठीक, ये पी एक्स, ये पी वाई, या पी जेड, कुछ भी मान लो, अगर पी एक्स पी वाई रहा, पी वाई पी जेड रहा, पी जेड पी एक्स रहा, तो वो किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण नहीं करेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर होता है, बात क्लियर हुई? पहला क्या कह रहा था, सबसे पहले समझो कि जिस प्रकार से, समझिएगा, जिस प्रकार से एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। सिंपल। दूसरा पासलेट क्या बोलता है, दूसरा पासलेट भी बहुत सिंपल है कि सेम एनर्जी के एटम्स मिल करके, सेम एनर्जी के एटम्स मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर एनर्जी, हैव सेम एनर्जी, देन दे कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जैसे 1s है, 1s मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है, 1s 2s मिलकर नहीं करेगा, 1s 3s मिलकर नहीं करेगा, 2s 3s मिलकर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? 3s 4s मिलकर नहीं करेगा, 4s 4s मिल जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण कर देगा। अब बात समझ में आ गई? अभी तक तो आप सिर्फ जानते थे एटम एटम मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिला लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यमोटी क्या कहती है कि सिमिलर एनर्जी के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा पी पी एक्स पी एक्स, पी में भी अंतर है, पी और पी मिलकर जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। अगर पी एक्स से मिल रहे हैं तब बनाएंगे, पी वाई से मिल रहा है तब बनाएंगे, पी जेड से मिल रहा है तब बनाएंगे। जैसे यहां पर देखो पी एक्स को पी वाई से मिला, बनाया नहीं बनाया, तो ये सब रूल हैं, समझना होगा आपको। तो ये दोनों रूल फटाफट से लिखे, चलते हैं तीसरे रूल की तरफ, नोट कीजिए फटाफट से। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पासलेट के बारे में। दो पासलेट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको दो पासलेट? थर्ड पासलेट क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। थर्ड पासलेट बोलता है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस बाय वन न्यूक्लियाई, बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस बाय टू आर मोर न्यूक्लियाई। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक न्यूक्लियाई के चारों ओर स्थित रहते हैं, लेकिन जब बात करें हम मॉलिक्यूल की तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई के बीच में स्थित होते हैं, या उसके द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, प्रभावित किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो इसको पहले लिख लो। ये इसमें लिखा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, बट या वाइल जबकि वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन
एन यहाँ पर कहना नहीं उचित तो होगा क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो रह ही नहीं सकते, आप कह भी सकते हो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दो के बीच, हाँ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू आर मोर न्यूक्लियाई, पहले इसका मतलब समझो न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई का मतलब क्या है। न्यूक्लियाई मतलब एक से अधिक न्यूक्लियसों से न्यूक्लियाई बोलते हैं, अगर मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म न्यूक्लियस है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो समझना ध्यान से, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रभावित होंगे केवल एक न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस के द्वारा। जैसे हम बात कर लें कोई भी एटम है मान लो हाइड्रोजन एटम हो गया तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, ये मान लो इसका न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्टल में एक इलेक्ट्रॉन, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, केवल एक न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्योंकि ये देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित होगा। जबकि यहीं पर अगर हम बात कर लें H2 मॉलिक्यूल में क्या होंगे, एक हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या बनता है 1s1, दूसरा भी हाइड्रोजन 1s1 की एनर्जी सिमिलर है इसलिए दोनों कंबाइन हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ये देखो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन होगा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लिया इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर, इसका न्यूक्लियाई इधर होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं समझना, ये दो न्यूक्लियाई के द्वारा इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को देख लो दो न्यूक्लियाई के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा रहा, प्रभावित किया जा रहा है। यहां पर अगर तीन एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बन रहा होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 SO2, ये तीन न्यूक्लियाई के द्वारा इन्फ्लुएंस होती, क्योंकि तीन एटम के द्वारा मिलकर बने हैं ये मॉलिक्यूल्स। यहां पर सिंपल सा तरीका समझेंगे कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित होगा, जबकि किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई के द्वारा प्रभावित किया जाएगा। बात समझ में आई, फिर से समझ लो, अगर कोई भी एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित होगा, जबकि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई के द्वारा प्रभावित होगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा लग सकता है, बट इट इज वेरी 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 सिंपल, लिखना ध्यान से। The number of molecular orbital मतलब molecular orbital की जो संख्या होती है, molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital, ठीक, number of atomic orbital। और इसमें कहा जा रहा है when two atomic orbital combining two molecules orbital is formed, मतलब पहले इतना समझो ये क्या कह रहा है। जैसे मान लो एक सिंपल सा तरीका आप समझो, अगर हम इतने ऊपर से
या फिर ये एक कैप हो गया, एक मार्कर हो गया, दोनों को अगर हम छोड़े तो नीचे कितने गिरेंगे? दो ही गिरेंगे, क्योंकि ऊपर से हम दो छोड़ रहे हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल समझे ना, आप दो लोग जा रहे हो, जैसे मान लो आप और आपका फ्रेंड कोचिंग जाता है, तो कोचिंग घर से कितने लोग निकले? दो लोग। पहुंचने के बाद कितने हुए? दो हुए। तो ऐसे इसमें यह बताया जा रहा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। याद करना, ऐसा नहीं है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निर्माण करते, नहीं, ये मिथ है। ये समझना, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कोई दो एटम के, जैसे जैसे बोल दिया जाता है ना, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो उनको दिमाग में यह आता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके केवल एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। दैट्स रॉन्ग। नहीं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। बोलोगे ये क्या सर, तब तो दो मॉलिक्यूल का भी निर्माण करने चाहिए। नहीं, इसी में लोग फंसते हैं, लेकिन आपको नहीं फंसना। आप समझिएगा ध्यान से, अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगा ना, तब आपको एकदम दिमाग खुल जाएगा, बुद्धि जो जिसे बोलते हो, बुद्धि आपको खुल जाएगी। मतलब यहां पर कहा क्या जा रहा है, पहले ये मोटी को समझो, जो ए मोटी कहती है वो समझो, ए मोटी के अलावा और किसी की बात मत मानना। जो ए मोटी बोलती है, ये मोटी बोलती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बदमाशी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बोलती है वो क्या कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिलाओगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप कंबाइन करोगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी पाओगे। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कीजिए, तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, चार कीजिए चार देगा, छेद कीजिए छेद देगा, आठ कीजिए तो आठ देगा, दस कीजिए दस देगा। जैसे आप D को अगर आप कंबाइन करोगे, दो D ऑर्बिटल, D में पांच सब ऑर्बिटल होते हैं, पांच प्लस पांच कंबाइन करोगे तो दस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बनेंगे। लास्ट वाले पासलेट में आपको हम समझाएंगे कैसे बन रहे हैं। वहां पर P और P को जब आप मिलाओगे ना, P में तीन, एक P में तीन, PXPYPZ तीनों मिला के छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। पहले तो इसको समझो, अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल दे रहे हो, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही पाओगे। अर्थात इट्स इंप्लाइज दैट, इसके कहने का मतलब क्या है, आई डॉट ई इंप्लाइज दैट, इसके कहने का मतलब यह है कि इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, मतलब समझिएगा फॉर्म्ड, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। मतलब यहां पर देख रहे हो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण किए। अब कैसे निर्माण करते हैं ये समझना, कैसे निर्माण करते हैं ये समझना। मान लो इधर देखो जैसे मान लो ये हुआ और ये हुआ, ये रहा हमारा 1s और ये भी रहा हमारा 1s, ठीक ठीक दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कंबाइन कर रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो ये बनाएगा कितना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अभी आप देखोगे इधर, एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल, एग्जैक्ट फिगर अगर देखें तो कुछ ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्ट फिगर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होता है, समझना, एग्जैक्ट फिगर देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो अभी आप समझोगे क्यों दो के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, ऊपर नहीं आए,
दो के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए ऊपर नहीं आए, वो समझोगे आप, क्योंकि ये जो एमओटी बताई थी ये हुंड रूल, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल, सबको तीन के तीनों को फॉलो करके चलती है, तीन को तीनों को क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये वन एस मिल रहा है, वन एस मिल रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन है वन एस वन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन वन एस वन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, मिलके कितना बनाया, दो इलेक्ट्रॉन इधर बनाए और ऊपर कुछ नहीं बचा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मिलके कंबाइन हो जाएंगे, ये देखो कंबाइन हो जाएंगे, और इधर इधर कुछ नहीं बचा, ये देखो नोड, इधर क्या आ गया हमारा नोड, कुछ भी नहीं इधर बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, इसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बना ही रहा, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल, और ये हमारा एंटीबॉन्डिंग, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। बात समझना कि यहां पर देखो दो एटम मिले थे, एक एटम ये, दूसरा एटम ये, मिल करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं, एक तो बॉन्डिंग दूसरा एंटीबॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार, एंटीबॉन्डिंग को। तो आप यहां पर समझे कि जब दो एटम मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी निर्माण करते हैं, जिसे हम कहेंगे क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर हो रही कि नहीं सबको, बात क्लियर है कि नहीं, और चलो एक एग्जांपल देकर और समझाते हैं, मतलब समझ में आया। अगर यहां पर 1s1 1s1 की जगह पर ना लिए होते तो क्या बनता, कुछ ऐसे देखना, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपको दिख रहे हैं ना, एक तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। अगर कुछ ऐसे बनते हैं, मान लो एक हम लेते हैं 1s2 और दूसरे को भी मिलाते हैं 1s2, क्योंकि आप समझ रहे हो 1s1 और 1s2 को भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको ही मिलाएंगे। मान लो इसको मिला दिए, ऐसा 1s1 1s2 को मिला दिए, फिर भी देख रहे हो 1s है 1s है, दोनों की एनर्जी समान है, दोनों मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निर्माण कर सकते हैं, इधर 1s इधर 2s नहीं मिला सकते, तब नहीं बनाएगा, तब नहीं बनाएगा। तो ये बनाएगा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ये दूसरा ये। तो नीचे कौन होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी उसके इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। आप सभी जानते हो किसका नियम है, बताओ, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसमें एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाते हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं, सॉरी अबाव प्रिंसिपल, हमने गलती से बोल दिया पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान ही नहीं हो सकता। तो ये तीनों को फॉलो करता है, अभी हम बताएंगे ये तीन के तीनों को फॉलो करता है। ये कहेगा क्या कि जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। तो एनर्जी किसमें कम है, जो नीचे है उसकी एनर्जी कम होती है, जो ऊपर होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जो नीचे होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ऊपर होता है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बात समझ में आई, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर जाएंगे, वन टू थ्री, हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन है टोटल मिला के, टोटल तीन इलेक्ट्रॉन है, तो पहले किस में भर जाएंगे, पहले हम भरेंगे किस में, इसमें, फिर इसमें, तब जाकर इसमें भरेंगे। लेकिन हमने जैसे बताया, अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसका एक और पासवर्ड, उसमें बोला जाता है कि पी फंड करें, ये हुंड रूल, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड अबाव प्रिंसिपल तीनों को फॉलो करता है। तो हुंड रूल क्या बोला था, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिए जाएंगे तब भरे जाएंगे दोबारा। लेकिन किस केस में, अगर एनर्जी सबकी समान है तो, जैसे पी एक्स हो गया, मान लो पी में आपको बांटना है, ये देखो पी में आपको बांटना है, पी में आपको बांटना है, तो पी में ये देखो तीन प्रकार के होते हैं सब ऑर्बिटल, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे तब दोहराया जाएगा, ये ऐसा होता है। ये सिर्फ पी में है, ये सिर्फ पी में है, डी में है, लेकिन क्या 1s और 2s में भी ऐसा है, हमको बताओ,
वन ईयर्स और टू ईयर्स में ऐसा है नहीं है। इसमें हुंड रूल का क्या नियम है, इसमें क्या हुंड रूल बोलता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दो तब इसमें करो, नहीं करता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सिमिलर एनर्जी के लिए फॉलो करता है। हुंड रूल फॉलो ओनली वन सिमिलर एनर्जीज ऑर्बिटल्स। ये देखो पी है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पी का ही है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिल कर दिए जाएंगे। हालांकि पी एक्स पी वाई पी जेड एग्जैक्ट एनर्जी सेम नहीं होती, बट आप अगर देखो आपका होता क्या, वन एस वन, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू। अब देखो बात आई इसकी, टू पी सिक्स थ्री एस टू, कभी कभी आप देखते क्या हो, टू पी की बात करें, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो, सॉरी ऑर्बिटल तीन, एक दो तीन ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, यस में एक, आपको मान लीजिए चार इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, चार इलेक्ट्रॉन, अब इसमें फिल करो, हुंड रूल लगाओ, चार इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, ऐसे 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 और ऐसे थोड़ी भरोगे, नहीं, क्योंकि 3s की एनर्जी ज्यादा है 2p से, जिसकी एनर्जी कम पहले उसमें भर दिया जाएगा तब आगे चलेंगे। 3s, ये देखो 2p और ये 3s, 3s की एनर्जी 2p के अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएंगे, ये पेयर्ड हो जाएगा तभी उधर जाएंगे। अरे लेवल समझो यार, जैसे आप वाटर देखते हो ना, एक मान लो इधर इतना ऊपर वाटर को चढ़ना है, इतना ऊपर, उसके बाद ये बहाव आगे करेगा, तो पानी जब तक पूरा भर नहीं जाएगा तब तक आगे कैसे जाएगा, पानी जब तक भर नहीं जाएगा कैसे जाएगा। पानी जैसे मान लो यहां तक पहुंचा, यहां तक, क्या अभी ऊपर पार कर पाएगा, इधर कोई जगह है उसको भर देगा, फिर उसके बाद और ऊपर चढ़ेगा, और कहीं जगह है उसको भर देगा, तब ऊपर चढ़ेगा, तब इसके पार जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें 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 भरे, इसमें भी सबसे छोटी एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, लगभग लगभग बराबर होती है, लगभग लगभग, ऐसा नहीं है कि छोटी बड़ी होती है, लगभग लगभग बराबर होती, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लगभग लगभग, कंप्लीट नहीं होता वो भी, इसमें भी। केमिस्ट्री इज ए मिथ, केमिस्ट्री में बहुत सारे, आप जितना पढ़ोगे उतना उलझन में होता है, लगभग लगभग एनर्जी बराबर। तो इसमें 2s और 3p में, 2p और 3s में समझो, पहले इसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी इसके कंपेरेबल में ज्यादा है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, इसमें भरा, इसमें भरा, फिर इसमें नहीं भर सकता, फिर इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें पांच होते तो इधर भरता, छह होते तो इधर भरता, अगर यहीं पर सात इलेक्ट्रॉन होता तब इधर जाता, तब इधर जाता। बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझ में आया 100%। चलो अब देखो, और यहां पर n प्लस l रूल भी लगता है, जैसे आप देखते हो ना 4s और 3d में, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भर जाते हैं, 3d में बाद में भरते हैं, वो सब यार क्लास 11th की चीजें हैं, आप लोग कितनी बार पढ़ के आए हो उसको बताने की जरूरत नहीं है। पहले 4s में भरते हैं क्योंकि n प्लस l रूल के अनुसार वो छोटा है, n प्लस l जिसका ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा, उसमें बाद में भरी जाएगी। n प्लस l किसका छोटा है, 4s का। अब हम आपको जब चर्चा किए तो बता ही दे, इसको समझ गए ना, चलो 4s, 4s और 3d देखो, 4s एंड 3d, इसका मतलब n, इसका मतलब l, इसका मतलब n, इसका मतलब l होता है। n क्या है, 4, l की वैल्यू इधर, s के लिए, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, d के लिए कितनी होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, D के लिए 2, तो इसको जोड़ो, n प्लस l, n प्लस l इसके लिए निकालो, 4 प्लस 0, 4, 4 प्लस 0 बराबर 4 आया, इसके लिए निकालो, 3 प्लस 2 बराबर 5 आया, तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएंगे, इसमें कि इसमें, इसमें पहले भरे जाएंगे, जिसका n प्लस l का मान कम होगा, तथा जिसकी एनर्जी कम होगी। अब यहां से आपको समझ में आ चुका है कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले भर जाएंगे, इसमें, भरने के बाद इसमें भर जाएंगे, तो ये हमारा बोला जाता है बॉन्डिंग, और ये बोला जाता है हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हमारा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, जिसे देख रहे हो ना, ये बॉन्ड बना रहा है और दूसरा एंटी बॉन्ड दूर दूर रिपल कर रहे हैं। बात समझ में आई, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं,
यहां पर देखे थे एक दो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो के दोनों यही भर गए, ऊपर नहीं भरा, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण किया, उधर एक एक बॉन्डिंग बना, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बना, एंटी बॉन्डिंग में हालांकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन बना तो ऑर्बिटल, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये तीसरा और चौथा भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी कोई डाउट हो तो बता दो, डाउट हो तो बता दो, आगे चले। बहुत बढ़िया, चलो चलिए नेक्स्ट पासलेट की बात करते हैं। चार पासलेट आप पढ़ लिए, पांचवें पासलेट बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ एक लाइन याद आ गई, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूं, जैसे हर चीजें आपसे शेयर करते हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज, तो ऐसे ही सोचा एक लाइन याद आ गई जो कि शेयर कर लिया जाए आपको। देखिएगा, अगर आप समझ रहे हो कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, जैसे ये थ्योरी में अगर आप समझ लिया हमें नहीं आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। जिंदगी है तो परेशानी है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा जो कि डॉक्टर सोनू शर्मा है, बहुत अच्छी चीजें बताई थी उन्होंने, हमारे उनकी ही एक पंक्ति याद आ गई जो कि बहुत अच्छे एक प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं ऑलरेडी और सुनने में अच्छा लगता है, वो फॉलो कर मतलब एक प्रकार से जुनून देते हैं आपके अंदर, आप उनकी पंक्तियों को सुन के मत भूलिए। कोई अगर बताता है तो उसकी पंक्ति को सुन के भूल मत जाइए, उसके अंदर क्या भाव चल रहे हैं वो भाव आपके अंदर आने चाहिए और उसको फॉलो करो, तब समझ में आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ यमोटी पढ़ो, आप भी सुन लिए हाँ यमोटी पढ़ो, लेकिन यमोटी पढ़ ही नहीं रहे हो तो आएगा कहाँ से, आप उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करो। हाँ, तो पंक्ति ये थी कि अगर आप लोग जिंदगी में परेशानी तो आएगी, जैसे ये पढ़ रहे हो तो एक प्रकार से लोगों को परेशानी दिखती है, अगर आपकी जिंदगी में परेशानी खत्म तो कोई जिंदगी ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी जिंदगी में परेशानी खत्म हो जाए तो दोनों घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देखना और कहना भेज, भरोसा उठ गया क्या, मतलब परेशानी भेज मैं निपट लूंगा, भरोसा उठ गया क्या मुझ पर से। ऐसे बनो कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें याद नहीं होगी, यमोटी हो चाहे बीएससीपीआर हो चाहे वीबीटी हो चाहे कौन सी भी थ्योरी हो, सब कुछ याद करने की ताकत है हमारे अंदर, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट, हम कर सकते हैं और करेंगे, ये भाव होना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी नहीं नेक्स्ट पासलेट की बात करते हैं। नेक्स्ट पासलेट क्या कर रहा है, द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करिस्पॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसका मतलब समझो, आपको बताया क्या गया, आपको ऐसे बताया गया ना, कुछ ऐसा, जरूरी नहीं किसी प्रकार फिगर बने, आप चेंज भी बना सकते हो। ये कोई हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के एक हमारा निर्माण करते हैं सिग्मा, दूसरा हमारा निर्माण करते हैं सिग्मा स्टार। ये हमारा होता है, सिग्मा को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो देखो इसकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम है कि एंटी बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग की, तो आप बोलोगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम अर्थात ज्यादा स्टेबल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एनर्जी कम होती तब आप ज्यादा स्टेबल रहते, एनर्जी ज्यादा होती तब, जैसे आप शाम को थक जाते हो, स्कूल गए, कोचिंग गए, कॉलेज गए, कहीं भी गए, आप कहीं भी, जैसे मान लो सुबह उठे, कोचिंग गए, कॉलेज गए, फिर घर आए, फिर आप कुछ खेले कूदे, फिर से आप कोचिंग गए, फिर घर आए, तो आप थक जाते हो, फिर आपको आराम चाहिए, फिर आप नहीं दौड़ सकते क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं, आपकी एनर्जी घट जाएगी। अगर आपको फिर कोई कहा दौड़ने के लिए 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ पाओगे नहीं, आप स्टेबल हो जाओगे, आपको सिर्फ एक चीज याद आएगी, वही 10 घंटे वाली नींद ना। तो सुबह होकर क्या करोगे, सुबह आप एनर्जी फुल रहते हो, आपके पास एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो आप कम स्टेबल रहोगे। सुबह भागने के लिए कह दो तो पास सर मजा आ रहा है, सुबह भागने में बहुत मजा आता है ना, क्यों, क्योंकि आप पास एनर्जी ज्यादा, आप स्टेबल नहीं रह सकते। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम, आप थके हुए हो, आपकी एनर्जी कम है तो आप बिस्तर पर लेटना चाहोगे, आप स्टेबल रहना चाहोगे, लेकिन क्या सुबह सुबह आप लेटना चाहते हो उठने के बाद, नहीं,
आप भागना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप पास एनर्जी है, आप पास एनर्जी है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये स्टेबल कम रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये समझना। कई लोग तो कंफ्यूज आते हैं कि उनके पास हाँ एनर्जी ज्यादा स्टोर करके रखे हैं इसलिए वो एनर्जी वो स्टेबल भी ज्यादा है। नहीं, जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। आप थके हुए हो, आपके पास एनर्जी कम है तब स्टेबल रहोगे, या आपके पास एनर्जी है तब स्टेबल रहोगे? नहीं, बताओ सब लोग, आप थके हुए हो तब ज्यादा स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर, एक जगह बैठने की कोशिश करते हो, एक जगह रहने की कोशिश करते हो। तो लिखेंगे यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पांचवा कहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी, सो इट इज मोर स्टेबल देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आई? मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी क्योंकि इसके पास एनर्जी लोअर होती है। अगर इसके पास एनर्जी लोअर है तो इसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी करिस्पॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एनर्जी कम है तो स्टेबल ज्यादा रहने की कोशिश करेगा। अगर एनर्जी होती तो उछल कूद करते रहते। बात समझ में आ रही है? आपके पास सुबह सुबह एनर्जी रहती है तो आप उछल कूद करते रहते हो कि नहीं? लेकिन आपको शाम को कोई उछल कूद करने के लिए कह दिया जाए, सर हमें तो बिस्तर चाहिए 10 घंटे की नींद वाली, तो फिर छठवां, ये तो समझ में आ गया ना सबको? समझ में आ गया, एनर्जी कम स्टेबल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा स्टेबल कम। तो एनर्जी कम इसकी होती है साथ ये ज्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी ज्यादा इसकी होती है इसलिए ये कम स्टेबल होगा। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे, लिख लो, सब समझाएंगे, डोंट वरी, पांच के पांचों याद हो गए, अभी रिवीजन एक बार फटाफट से कराएंगे। जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ राइटिंग हमारी नहीं बैठती, मैनेज कर लेना आप लोग। अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन एटम is given by an atomic orbital the electron probability distribution वैसे हमें तो नहीं लग रहा है कि ये थियरी, सर ये पॉस्टुलेट इनको देना चाहिए था, इन्होंने तो बताया था, मतलब इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट नहीं कहा जा सकता ये वाला। देखो एक चीज़ आपको सुनते ही इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता तो आप इसको नहीं समझोगे। देखो इसलिए मैं नहीं कहता कि इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए आपकी सबसे बड़ी कमी यही है, किसी को छोटा ना समझो। अगर मैं बता दिया कि इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता फिर भी कहा क्या जा रहा है ये तो समझ लो। अगर समझ लोगे तो क्या अपच कर जाएगा? ज्ञान ऐसा थोड़ी है कि आप ज्यादा पढ़ लोगे तो आपको अपच कर जाएगा। खाना ज्यादा खा लो दिक्कत करता है, पानी ज्यादा पी लो फिर भी दिक्कत कर, कुछ भी ज्यादा खा लो दिक्कत करता है, फल फायदा करता है लेकिन ज्यादा खा लोगे तो दिक्कत करेगा। लेकिन ज्ञान चाहे जितना खा लो पी लो नहा लो दिक्कत नहीं करता। ज्ञान को जैसे भी अर्जित कर पाओ जितना कर पाओ कभी दिक्कत नहीं करेगा। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ
अराउंड अ ग्रुप ऑफ, ये जितना गोल गोल खिचड़ी घुमा रहे हैं ना अभी हम आपको एकदम सिंपल से समझाएंगे, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, गिवन बाय ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब समझो इसका, इन्होंने क्या किया, इसको कंपेयर करने की कोशिश की एटॉमिक ऑर्बिटल से, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से किस प्रकार ये कंपेरेबल में हो सकते हैं उससे ये कंपेयर करने की कोशिश की। मतलब समझो, अगर मैं आपसे पूछूं आप दिन भर में कहां कहां मिल सकते हो, आप दिन भर में कहां कहां मिल सकते हो, एक तो अपने घर पर, एक तो अपने कॉलेज में, एक तो अपनी कोचिंग में। यहां पर बात सही है, कई लोग तो कहेंगे सर हम तो कोचिंग आपसे करते हैं, कोई नहीं, आप अगर हमसे कोचिंग करते हो तो घर पे बैठ के पढ़ते होगे, घर पे मिलोगे। तो अगर मान लीजिए आपकी रहने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा हुई, आपके घर पे, आपके कॉलेज में, बात सही, उससे भी ज़्यादा आपके घर पर, तो प्रोबेबिलिटी आपकी पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन घर और कॉलेज, क्या आप डेली गार्डन में मिलोगे, नहीं, क्योंकि आप पास टाइम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे उधर खूब मिलते हैं, या जिसके पास टाइम है सब मिलेंगे, लेकिन आप अभी टाइम नहीं है आपके पास तो आप नहीं जाओगे। क्या आप रोज घूमने तीर्थ स्थल जाते हो, किसी ऐसी जगह पर घूमने जाते हो, क्या आप डेली आगरा ताजमहल देखने जाओगे, नहीं, किसी किसी दिन जाते हो, या वेरी 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 लो प्रोबेबिलिटी होगी कंपेयर टू योर होम एंड कॉलेज। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल में मिलेंगे, जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलेंगे। बस इसके कहने का मतलब यही था, कब से ये गोल गोल खिचड़ी की तरह घुमा रहा है, मतलब जलेबी की तरह कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियाई ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गिवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये कह रहा है जो एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। क्या एटम के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थोड़ी रहेंगे, नहीं, आप अपने घर के बजाय अपने बगल वाले के घर थोड़ी रहोगे, नहीं, अपनी घर में रहोगे ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस इतना ही था, इसके कहने का मतलब इतना ही था। अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो दूसरी भाषा में जो मैं बोल रहा हूँ उसको ट्रांसलेट कर लो, बस जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहना चाहते हैं या मिलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटॉमिक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, यह समझ में आ गया ना छठवां, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सतवार देखेंगे, सतवां क्या करता है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन कोऑर्डिनेट, आर फिल्ड इन कोऑर्डिनेट, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, फिल्ड इन एकॉर्डेंस है, सॉरी एकॉर्डेंस, एकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल, with the above principle, ये above principle, ये capital A लिख लीजिएगा, with the above principle, obeying the, पालन करते हैं, obeying the Pauli's exclusive principle, Pauli's exclusive principle,
प्रिंसिपल एंड हुंस रूल एंड हुंस रूल। ठीक, इसके कहने का मतलब समझ पाए, इसके कहने का मतलब समझ पाए, इसके कहने का मतलब यह है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब अभी तक हम समझ रहे थे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार होती है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अनुसार होती है एंड हुंस रूल के अनुसार होती है। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, दैट्स कॉल्ड अबाउ प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, अर्थात डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, चारों क्वांटम संख्याओं का मान अगर डिफरेंट हुआ तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी, जब डिफरेंट एनर्जी होगी जिसकी एनर्जी कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरोगे, अबाउ प्रिंसिपल। फिर आते हैं हमारे हुंड रूल। हुंड ने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि अगर आपका ऑर्बिटल है सेम एनर्जी का, जैसे डी में अगर भरो, डी में पांच सब ऑर्बिटल्स होते हैं, पांच सब ऑर्बिटल्स होंगे तो उसकी एनर्जी लगभग लगभग बराबर होती है कंपेयर टू अदर। जैसे अगर हम बात करें 3D और 4S की तो दोनों में एनर्जी का अंतर है, 4S की एनर्जी कम, 3D की एनर्जी ज़्यादा। अगर वहीं पर बात कर लें हम 5S और 3D की, तो 5S की एनर्जी 3D की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पहले 3D में और 5S में अगर कंपेयर करें तो 3D में पांच सब ऑर्बिट सब एटॉमिक सॉरी सब ऑर्बिटल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक फिल कर दो, फिर उसमें रिवीजन भी कर दो, मतलब डबल इलेक्ट्रॉन कर दो, तब अगले में जाओगे। तो हुंड रूल के अनुसार ये था कि अगर ऑर्बिटल आपका समान है, मान लो ये पी ऑर्बिटल होता है, इसमें सब एटॉमिक पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर आप दोहराओगे। और इसने ये क्या बताया था, अबाउ प्रिंसिपल ने कहा था जब, लेकिन सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर एनर्जी अगर हमारी एनर्जी सिमिलर है तभी होगा, जैसे यहाँ पर PX, PY, PZ की एनर्जी लगभग सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन अबाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि अगर एनर्जी कम ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे, जिसकी एनर्जी कम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे। ठीक, तो इसमें भी देख लो, जैसे आप अगर देखो 2s और 2p में, इसमें 2s देख लो और ये रहा हमारा 2p। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर जाएंगे, फिर फुलफिल भी हो जाएंगे, फिर अगले वाले में चलना प्रारंभ किए, एक 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 इलेक्ट्रॉन, फिर एक 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पहले हुंड रूल फॉलो हुआ, लेकिन दोनों को मैं अगर देख ले तो ये अबाउ प्रिंसिपल फॉलो हो गया। अगर दोनों की बात करें तो अबाउ प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल हो गए तब इसमें गए, अब इसमें पहुँचते ही हुंड रूल फॉलो करने लगा। और पाउली ने तो ऑलरेडी बता के बैठे हैं कि भैया जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होने देंगे, या होता ही नहीं तो होने कहां से देंगे। सो नोट डाउन करिए यहां तक सातों पोस्टुलेट नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम एनर्जी भी सोच रहे हैं बता दें, लेकिन फिर सोच रहे हैं एनर्जी अगर बता देंगे तो हमें जो एग्जांपल्स है वो भी इसी में बताना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर हम एग्जांपल्स बताएंगे तो एनर्जी फिर से बतानी पड़ेगी, इसलिए आप पोस्टुलेट तक ही समझिए, एनर्जी कल बता देंगे एनर्जी और इस पे ये काम कैसे करती है, मॉलिक्यूल्स लेंगे उस पे हम देखेंगे क्या ये मैग्नेटिक बिहेवियर बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। इसका जन्म मुख्यतः मैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए ही हुआ था, हालांकि इसने और भी बहुत चीज़ें बता दी लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर भी ये बताया था, तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज क्या चर्चा की है वो समझ लीजिए, आज सिंपली हमने पढ़ा क्या, सबसे पहली थ्योरी, सब लोग पेज पलटो अपना हमारी तरह और सब लोग देखना स्टार्ट कर दो, एक प्रकार रिवीजन हिड डाल लो, रिवीजन सब कुछ बंद और रिवीजन चालू। रिवीजन देखो, पहली थीरी क्या बोली थी कि द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज इलेक्ट्रॉन इन एटम्स प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूल्स के, ये तो कहा जा रहा है ना कि जो मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, बस इतना कहा गया। दूसरा ये बोला गया कि सेम एनर्जी के जो एटम्स होंगे वो मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे।
मतलब सेम एनर्जी के अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जैसे 1s 1s हो गया, 1s 2s मिलके नहीं बना सकता, 2s 2s मिलके बनाएगा, 2p 2p मिलके बनाएगा, वो भी 2p में कौन सा 2px 2px मिला फिर बनाएगा, 2px 3x 3px मिला दो नहीं बनाएगा ना, px px भले मिल रहा है लेकिन 2px एंड 3px नहीं बना सकता। 2pz 2pz मिला दो तो एटॉमिक ऑर्बिटल बना, ओ सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, बट 2PY 2PZ मिला दो तो बनाएगा नहीं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहे हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बात सिंपल है, ठीक। थर्ड क्या बोला गया था, थर्ड ये कहा था कि एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में वो प्रभावित तो होते हैं केवल एक न्यूक्लियस के द्वारा, लेकिन मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एक ही न्यूक्लियस होता नहीं, कई सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, जब कई सारे एटम से मिलकर बने होते हैं तो दो या दो से अधिक न्यूक्लियस के द्वारा वो न्यूक्लियाई के द्वारा वो इन्फ्लुएंस किया जाएगा, प्रभावित किया जाएगा। फोर्थ क्या बोला था, फोर्थ बोला था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, समझना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। मतलब 5 या 6 आप बता दो, जैसे मान लो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। ये हम कल देखेंगे एनर्जी में जब हम डायग्राम बनाएंगे, वहां पर जब आप 6 एटॉमिक ऑर्बिटल दोगे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी निर्माण होंगे। आप यहां पर देखे भी तो 2 एटम्स ही दिए, अभी तो हम दो ही का देखे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल दिए थे, 2 का निर्माण हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग, एक हमारा बॉन्डिंग कहलाएगा दूसरा एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को हम सिग्मा से, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से। अगला कह रहा है कि जो बॉन्डिंग होता है वो नीचे होता है, नीचे मतलब एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, मतलब सिग्मा ज्यादा स्टेबल होगा सिग्मा स्टार की अपेक्षा। तो अर्थात अगर हम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करें तो पहले किसमें से निकलेगा, सिग्मा स्टार से, तब सिग्मा से निकलेगा, अर्थात सिग्मा स्टार की स्टेबिलिटी कम क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा, उसको थोड़ा सा ही एनर्जी दे दो वो भाग जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब भाग पाएगा, मतलब उसी स्टेबिलिटी कम होती है। बस समझ में आ रही है, चलो नेक्स्ट का क्या रहा है कि वो नेक्स्ट जस्ट द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब आप जैसे आपके घर मिलोगे, एक कॉलेज में मिलोगे, वैसे एटम्स के ऑर्बिटल के जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पाए जाने की जो संभावना है एक प्रकार से वो एटॉमिक ऑर्बिटल में है, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, बस और कुछ नहीं। ये तो पहले वाले में भी बोल देते ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर काटना चाहो तो कट भी कर सकते हो। 20 सातवां क्या कह रहा है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ही तरह हुंड रूल का फॉलो करते हैं, आप बाउ नियम का फॉलो करते हैं और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सो नोट डाउन करें यहां तक, तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह और भी मेहनत लगा के पढ़ते रहिए। अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आपको हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ना है, मतलब एक प्रकार से आपको अगर हमारे साथ, मतलब हमारे हम सब के विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के फैमिली के मेंबर अगर बनना चाहते हो, अगर आप अभी तक मेंबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तो आप तुरंत ही हमारे दिल से जुड़ जाएंगे और आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वो कहते हैं ना, अगर आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है तो हौसला बुलंद रखिए। आप हौसला जितना बुलंद रखोगे उतना ही अच्छे से तैयारी करोगे। जितना पढ़ाया जा रहा है सब पढ़ो। इस पूरे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पे जाइए, यूनियन क्लासेस सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इवन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं @यूनियन क्लासेस। या फिर अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप टेलीग्राम पे जाकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। विवेक मिश्रा स्टडी चैनल ग्रुप है, उसमें क्वेश्चन आप ऑलरेडी पूछ सकते हो। यूनियन क्लासेस चैनल है, चैनल को जरूर वहां पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप अगर जाकर वहां पर ज्वाइन करेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि काफी बच्चे वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। और ज्वाइन करने से ये होता है क्योंकि वहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, वहां पर आपको होमवर्क्स मिलेंगे, वहां पर आपको जब होमवर्क मिलेंगे या फिर आपके टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑब्जेक्टिव क्विज चल रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं वहां पर दी गई हैं। मैं सोचता हूं कि आप लोग बिना कोचिंग के कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जो कोचिंग वाले, मतलब कोचिंग में जाकर वो सुविधाएं ना मिल सकती हैं, वो सब ही सुविधाएं मैं आपको देने का प्रयास करूं। हालांकि मैं आपके पास नहीं हूं,
लेकिन इतना मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपके दिलों में रहूं, इतनी कोशिश रहती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग टीम जितना मेहनत कर रही है, उतना आप लोग भी मेहनत कीजिए। रात दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए जाते हैं। ये सिर्फ जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए, सिर्फ आप लोगों के लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं, नोट्स बना बना के आपको दिए जा रहे हैं। क्यों? ताकि आप लोग पढ़ें, आप लोग जाने, आप लोग समझें। इतनी सुविधा दी जाती है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्विज दिए जाते हैं, आप लोगों को अनसॉल्व सॉल्व कराए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ें, भविष्य उज्जवल हो। इसलिए आप लोग भी पढ़िए ईमानदारी के साथ। कभी भी अपने मतलब ऐसे मत पढ़िए सिर्फ हाँ ठीक है, आप पढ़िए तो सिर्फ जुनून के साथ। हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो सिर्फ नौकरी पाने के लिए। मेरा ये मानना है, आप सिर्फ नौकरी पाने के लिए मत पढ़ो। हाँ, नौकरी पाने, ये एक कड़वा सत्य है, जिससे भी पूछो वो यही बोलता है कि नहीं, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये कड़वा सत्य है, सब के सब नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं। जी हाँ, पढ़ते तो इसीलिए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, काफ़ी लोग बोलते हैं कमाते तो वो भी हैं जो नहीं पढ़ते, लेकिन उनके कमाने का तरीका देखो, न बोलने का ढंग, न उठने का ढंग, न चलने का ढंग, न बोलने का ढंग, न तो आप लोगों से बात करने का ढंग। आप लोग पढ़े हो, शिक्षित हो तो क्यों हो? शिक्षित हो अगर तो आपके भविष्य में काम आता है, नहीं नौकरी पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट कर लोगे, कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़े रहोगे, अगर आपके पास शिक्षा है, आप कहीं भी समाज में बोलोगे तो एक नौकरी करने वाला बंदा जो नहीं पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा है, आप अगर नहीं कर रहे हो, अगर आप समाज में बोलोगे तो उस ताकत के साथ, वो ताकत होगी आपकी आवाज़ में, लगेगा हाँ कोई पढ़ा लिखा स्टूडेंट बोल रहा है। इसलिए आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट जो कि इस केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर होगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।